आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं पुणे एविएशन गैलरी को। इस तरह की ये भारत की एकमात्र ऐसी गैलरी है जिसमें किसी विशिष्ट प्रकार के नहीं बल्कि एविएशन क्षेत्र का इतिहास, विज्ञान और विकास एक ही जगह पर हमें देखने के लिए मिलता है। तो चलिए दोस्तों, हम भी भरते हैं इस एविएशन गैलरी में एक उड़ान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल के इस नए वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, पुणे के छत्रपति शिवाजी नगर में लाल बहादुर शास्त्री स्कूल के परिसर में पुणे महानगर पालिका द्वारा एक एविएशन गैलरी को बनाया गया है। इसका निर्माण 2019 में ही किया गया था, लेकिन इसके ओपन होने के बाद ही कोरोना पैंडेमिक की वजह से इसे जल्द ही बंद करना पड़ा। कई साल बंद होने के बाद इस गैलरी ने फिर से उड़ान भर ली है, जो लोगों को अपने साथ एविएशन क्षेत्र के इतिहास और विज्ञान के रोमांचित सफर पर ले जाने के लिए तैयार है। तो चलिए दोस्तों, हम भी देखते हैं हमें यहाँ पर क्या क्या देखने के लिए मिलता है। इस जगह तक आप पीएमसी मेट्रो स्टेशन या बस स्टॉप से चलते चलते भी पहुँच सकते हैं। पुणे के कांग्रेस भवन के ठीक पीछे ही इसका लोकेशन है। एविएशन गैलरी में प्रवेश करते ही ग्राउंड फ्लोर पर सबसे पहले एक प्रोजेक्टर रूम को बनाया गया है। यहाँ पर हमें एविएशन क्षेत्र के इतिहास और विकास को प्रोजेक्टर पर दिखाया जाता है। लगभग 10 मिनट की एक वीडियो क्लिप हमें यहाँ पर दिखाई जाती है। साथ ही यहाँ पर इस गैलरी में आपको क्या क्या देखने के लिए मिलता है इसकी भी जानकारी दी जाती है, और विद्यार्थियों के लिए एविएशन क्षेत्र में करियर बनाने के लिए उससे जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी और गाइडेंस भी उन्हें यहाँ पर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी स्कूल, कॉलेज या इंस्टीट्यूशन से हो और आपको इस जगह की और ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में यहाँ का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। ग्राउंड फ्लोर से अब हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर पर हमें जो सबसे पहले गैलरी नजर आती है वो एविएशन क्षेत्र के इतिहास की गैलरी है। इसमें हमें एविएशन क्षेत्र के इतिहास को देखने के लिए मिलता है। उड़ान जो हमेशा से ही मनुष्य का लक्ष्य रहा है। कई सारे वैज्ञानिकों ने अपनी कल्पना शक्ति और अपने कौशल्य विकास से इस क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव किए हैं, जिनकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। लियोनार्डो दा विंची से लेकर राइट ब्रदर्स और भारतीय एविएशन क्षेत्र के प्रमुख रचयकर्ता भारत रत्न JRD टाटा, इनके योगदान को यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलते हैं दूसरी वाली गैलरी में। यहाँ पर हमें उड़ने के पीछे का विज्ञान और उसकी टेक्निक को समझने का मौका मिलता है। उसके साथ ही हमें यहाँ पर एक एरोप्लेन में कौन से पार्ट होते हैं उसकी भी जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। साथ ही यहाँ पर एरोफाइल्स के प्रकार और ब्लैक बॉक्स की भी जानकारी हमें दी जाती है। यहाँ के हर गैलरी में जो जानकारी आपको दीवारों पर देखने के लिए मिलती है वो सारी जानकारी इन गैलरी में लगे हुए LCD स्क्रीन पर भी आपको देखने मिलती है, और वो आपको उसी क्रम में दिखाई जाती है। अब चलते हैं यहाँ से तीसरी गैलरी में। इस गैलरी में दुनिया भर में उपयोग में होने वाले लगभग सारे एयरक्राफ्ट के शोकेस मॉडल हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें एयरबस, कार्गो, बोइंग, फाइटर जेट शामिल हैं। 2020 तक में उपयोग में लाने वाले लगभग सारे मॉडल्स
हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं, जिनकी संख्या लगभग 150 से भी ज्यादा है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि यह एविएशन गैलरी किसी विशिष्ट प्रकार के एयरक्राफ्ट के लिए नहीं, बल्कि दुनिया भर में जितने भी एविएशन क्षेत्र में एयरक्राफ्ट है, उन सारे एयरक्राफ्ट की जानकारी हमें यहाँ पर एक ही जगह पर मिलती है। यहां से अब हम चलते हैं सेकेंड फ्लोर पर। यहां पर हमें सबसे पहले वाली गैलरी में हेलीकॉप्टर और ड्रोन के उड़ने के पीछे के विज्ञान की जानकारी मिलती है। यहां पर हमें अलग अलग प्रकार के हेलीकॉप्टर के शोकेस मॉडल रखे हुए नजर आते हैं। हेलीकॉप्टर के साथ ही यहां पर हमें कुछ ड्रोन भी रखे हुए नजर आते हैं। फिलहाल तो काफी छोटे ड्रोन है, लेकिन उससे पहले इन बड़े ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर हमें पुणे सिटी के ड्रोन से लिए हुए कुछ एरियल व्यू भी दिखाए जाते हैं। अब चलते हैं इसके आगे वाली गैलरी में, जिसमें हमें एक हवाई अड्डे का मिनिएचर मॉडल बनाया हुआ नजर आता है। अलग अलग हवाई अड्डे के जानकारी के साथ ही हवाई अड्डे पर किस तरह की कार्य प्रणाली कार्य करती है, इसकी जानकारी हमें यहाँ पर मिलती है। उसके साथ ही हवाई अड्डे पर करियर करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, उसकी भी जानकारी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं इसके आगे वाली गैलरी में, जिसमें भारतीय वायुसेना ने उपयोग में किए हुए एयरक्राफ्ट के मॉडल हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही यहाँ पर इस क्षेत्र में करियर करने के लिए कौन कौन सी आवश्यकता है, इसकी सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। भारतीय वायुसेना द्वारा विशिष्ट ऑपरेशंस में इस्तेमाल किए हुए एयरक्राफ्ट की भी जानकारी हमें यहाँ पर दी जाती है। भारतीय वायुसेना में दिए जाने वाले शौर्य पुरस्कार की जानकारी भी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। अब चलते हैं तीसरे फ्लोर पर, जहाँ पर यहाँ की आखिरी गैलरी है, जिसमें एरो मॉडलिंग, पैरामोटरिंग और अवकाश विज्ञान को हमें समझने का मौका मिलता है। यहाँ पर हमें कई सारे एरो मॉडल्स नजर आते हैं, उनकी विशेषताएं और उनके विवरण को उनके पीछे लिखा हुआ है। कुछ एरो मॉडल्स नीचे रखे हुए हैं, तो कुछ हवा में लटकाए हुए। जिन विद्यार्थियों को एविएशन क्षेत्र में अपना करियर बनाना है, उनके लिए तो ये जगह मस्ट विजिट प्लेस है। उसके साथ ही स्कूल के बच्चों के लिए, एविएशन क्षेत्र में रुचि रखने वाले लोगों के लिए इस जगह पर काफी कुछ है। एरो मॉडलिंग के साथ ही यहाँ पर पैरामोटरिंग क्षेत्र की भी जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है, जिसमें उस क्षेत्र में बनाए हुए कुछ विश्व विक्रम को यहाँ पर दर्शाया गया है। दोस्तों, इस एविएशन गैलरी की तो बस ये शुरुआत है। धीरे धीरे इसमें कई सारे अपडेट आने वाले हैं, कई सारे एक्टिविटीज शुरू होने वाली है। दोस्तों, आपको या आपके परिचय में किसी को एविएशन क्षेत्र में करियर करना है, तो आप इस जगह पर एक बार जरूर आइए। या फिर आपको अपने बच्चों में एविएशन क्षेत्र से संबंधित रुचि निर्माण करनी है, या फिर उनको इसके संबंधित जानकारी देनी है, तो भी आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं।
फिलहाल यहाँ का जो स्टाफ है वो भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, उनसे भी आपको काफ़ी मदद मिलती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना भी ना भूलिए।